न जाने कौन सी मिठास है गरीब के खून में, जिसे मिले पीता जरूर है। ऐसी एक घटना देखने को मिली अंबाला कैंट में, जहां पर कि तोपखाना परेड के निवासी एक अपाहिज दंपति का घर तोड़ दिया गया। सोचिए, किसी के सर के ऊपर से अगर छत छीन ली जाए तो क्या परिस्थितियां उसके सामने आ सकती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इनके साथ कैंटोनमेंट बोर्ड द्वारा मारपीट करने की भी घटना सामने आई है। अंबाला कैंट तोपखाना परेड निवासी, हम यहाँ 1845 से रह रहे हैं, जब से छावनी बसी थी। हम इस छावनी का हिस्सा हैं, लेकिन 1975 से केंद्र सरकार ने जो यह हमें जमीन लीज पर दी गई थी, 1975 से उस लीज को समाप्त कर दिया और हमें गैर संवैधानिक तरीके से अवैध घोषित कर दिया। जबकि ये छावनी के समय से हम 170 वर्षों से यहाँ पर रह रहे हैं और तब से लेकर अब तक कैंटोनमेंट बोर्ड के अधिकारी हमारे घरों को तोड़ते हैं, मनमाने अत्याचार करते हैं, यहाँ तक कि शौचालय तक नहीं बनाने देते, वह भी तोड़ जाते हैं। एक परिवार, अभी हाल ही की बात है परसों की, एक परिवार जिसमें 12 सदस्य हैं, 5 बच्चे, 5 वह खुद और 2 बहुएं, उनके पास रहने को केवल 2 कमरे हैं और उसमें से एक दिव्यांग है जिसे दिखता नहीं, वो चल फिर भी नहीं सकता। कैंट बोर्ड के अधिकारियों ने बिना नोटिस के उनके घरों पर बुलडोजर चला दिए। हम बार बार यही प्रार्थना करते हैं कि हम 170 वर्षों से यहाँ पर हैं, हमें मालिकाना हक दिया जाए, लेकिन कैंटोनमेंट बोर्ड वाले अधिकारी आज तक हमारी मांग को नहीं माने। हरियाणा सरकार ने और माननीय अनिल विज जी ने हमारी मांग को ऊपर उठाते हुए हमारी फाइल चलाई है, जिसमें यह कहा गया है कि सैन्य भूमि को इसको हमारे हरियाणा राज्य के अधीन किया जाए ताकि हमें मालिकाना हक मिले, लेकिन इसके बावजूद परसों ही कैंटोनमेंट बोर्ड के अधिकारियों ने हमारे घरों पर फिर से बुलडोजर चला दिया, जिसके वजह से हमें इकट्ठा होना पड़े और हम यह अनिश्चितकालीन धरना उस घटना स्थल पर ही करेंगे जहां पर हमारा मकान गिराया गया है, तब तक जब तक हमारी मांग को पूरा नहीं किया जाता। ये बिल्कुल बिल्कुल जी, इनके परिवार हैं। तो आपके साथ किस तरह का हादसा हुआ है सर? ये बोर्ड वाले आए, अपना 2 जेसीबी लेकर आए, बिना नोटिस दिए सारा मकान जड़ से गिरा गए, यानी सारा मटेरियल मेरा मिट्टी में लग गया बिना नोटिस। और इस तरह का अत्याचार जो है सिर्फ इन्हीं पे नहीं है, यहाँ के हर किसी नागरिक के ऊपर मतलब किया जाता है। जब कभी भी कोई भी अपने मकान में रिकंस्ट्रक्ट कराता है तो उसका घर इसी तरह से तोड़ दिया जाता है। आबादी बढ़ती जा रही है, परिवार की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन सुविधाएं नहीं बढ़ पा रही हैं। तो इस चीज़ पे कैंटोनमेंट कोई भी अपनी नर्म स्वभाव नहीं दिखा रहा है, जबकि केंद्र से भी इस चीज़ के लिए ऑर्डर आ चुके हैं कि तब तक कार्रवाई नहीं करी जाए जब तक कोई फाइनल निर्णय नहीं निकल जाता है। ये रोष ये सरकार से ये चाहते हैं कि यहाँ पर रहने वाले हर एक व्यक्ति को उसका मालिकाना हक दिया जाए, उसके मकान का, उसकी ज़मीन का उसे मालिकाना हक दिया जाए, क्योंकि ये लोग यहाँ पर 170 साल से ज़्यादा से रह रहे हैं और यहाँ पे कृषि कर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं और इनका बहुत बड़ा योगदान है अंबाला मंडी में, इस अंबाला को अनाज देने में, अंबाला को आपका फल देने में और हरी सब्जी देने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। और इनके साथ जो सबको दान दे रहा है, जो सबको अन्न दे रहा है, अगर उनके साथ इस तरह का अत्याचार होगा तो ये असहनीय है और इसके लिए आवाज आज तो हम यहाँ पर कैंटोनमेंट बोर्ड के सामने उठा रहे हैं और अनिश्चित काल धरना जहां पर ये वारदात हुई थी वहां पर देंगे। और अगर इसके बावजूद भी अगर सरकार नहीं सुनेगी तो ये धरने का लेवल हम बढ़ाते चले जाएंगे, हो सकता है जंतर मंतर जाएं और अपने वोट के अधिकार का बहिष्कार करें। और हम किसी भी प्रशासनिक दबाव में आने वाले नहीं हैं, इस चीज को हम प्रशासन को, कैंटोनमेंट बोर्ड को खुलेआम कहना चाहते हैं। हम एक बुलंद इरादों के साथ चल रहे हैं और हम टूटने वाले नहीं हैं। अब हमें निर्णय चाहिए और वो भी अपने हक में चाहिए। जय भारत, जय हिंद, मालिकाना फोकले आश्वासन, फोकले आश्वासन, जय भारत, जय हिंद। Hello,
आपके साथ निकलने दिया। आपके साथ मारपीट की गई है कैंटमेंट बोर्ड वालों ने। अच्छा जी। मतलब आके मैं मेरी दौरानी थे घर में, आके उन्होंने तोड़फोड़ शुरू कर दी, कुछ नहीं बोला। मैंने कहा भैया क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो, मैंने उनकी खंती पकड़ी, उन्होंने मुझे झटका सा मारा। फिर पब्लिक इकट्ठी हो गई देख के, फिर बोलते हैं कि पुलिस वालों को रिपोर्ट कर दी कि भाई मारपीट करी हमारे साथ। ये वारदात एक डेढ़ महीना अभी तो हुआ हमारा 30 नवंबर को, फिर हमारा पुलिस केस बनवा दिया। मैं रिपोर्ट लिखवाने आई, मेरे हस्बैंड चोटी सीधी बोल रहा था पुलिस वाले जब मैं बेहोश हुई थी। तो शुरू से बताइए आपकी बात क्या, और किस दिनांक को आई? किस दिन होता था? तारीख कैसे? तारीख क्या दी? आप कैंटोनमेंट बोर्ड पे आ जाओ, वहीं चलते हैं। 27 तारीख दिन सुबह 10:30 बजे। अच्छा, तो आपके साथ मारपीट की है कैंटोनमेंट बोर्ड वाले आए थे? पुलिस वालों ने किया फिर बोर्ड वालों ने? बोर्ड वालों ने। अच्छा, हाँ बोर्ड वालों ने, पुलिस वालों ने नहीं किया। रोका और किसने तो एफआईआर दर्ज करवा दी हमारी, जब पब्लिक ऐसी पब्लिक इकट्ठी हो गई थी। दोनों का तोड़ा गया, आप कहाँ पर रहते हैं? टंकी के सामने। हम तो हमारे कहाँ चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारे को तंगना करा जाए, हमारे को पांच पीढ़ी निकल गई हमारी, हमें हमारा मालिकाना चाहिए, हमें शौचालय नहीं बनाने चाहिए। वो तो कह रहे हैं कि हम जब तुम बनाओगे हम तोड़ जाएंगे। माता की।